नमस्कार, मैं अनुष्का बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबर को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव के लापता होने के लगे पोस्टर, बिहार में 12 जून को दस्तक दे सकता है मानसून। जहां प्रमुख पप्पू यादव का डीएमसीएच में ही होगा इलाज। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को तीसरी लहर से निपटने की तैयारी रखने के दिए निर्देश। देश भर में 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में 12 जून को दस्तक दे सकता है मानसून। सूबे बिहार में मानसून 12 जून तक दस्तक दे सकता है। वहीं इस बार आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी कर बताया था कि प्रदेश के कई जिलों में इस साल 20-25% बारिश कम होगी, जिसकी एक और रिपोर्ट 30-31 मई के बीच आएगी। तब यह जाकर सुनिश्चित होगा कि इस साल बिहार में मानसून में कितनी बारिश होगी। वहीं आईएमडी पटना के मुताबिक पूर्वी बिहार को छोड़कर पूरे बिहार में आज से गर्मी एक बार फिर बढ़ सकती है। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार बने हुए हैं। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और गांगेय क्षेत्र में विशेष चक्रवातीय क्षेत्र सक्रिय है। इससे बिहार में बंगाल से नमीयुक्त हवाएं तेजी के साथ दस्तक दे सकती है, जिस कारण पूर्वी बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश भी होने की संभावना है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को तीसरी लहर से निपटने की तैयारी रखने के दिए निर्देश। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर आम जनजीवन में भूचाल ला दिया। वहीं अब तीसरी लहर आने की भी बात की जा रही है। इसे लेकर पटना हाईकोर्ट भी राज्य में होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित है। इस बाबत मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए गांव-गांव तक मरीजों के इलाज की आधारभूत संरचना बनाने, सभी पंचायतों के मुखिया से लेकर सभी जिला परिषद के अध्यक्षों को ड्यूटी पर मुस्तैद रहने और गांव में कोरोना से होने वाली मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर निबंधन अधिकारियों को देने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस आदेश का पालन नहीं करने वाले मुखिया, मुखिया प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। राज्य में लॉकडाउन खत्म होते ही नियुक्त होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। सूबे के सभी विश्वविद्यालयों के लिए 4,500 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। इसके तहत बिहार राज्य सेवा विश्वविद्यालय आयोग ने इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसकी एक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होते ही इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी कर दिए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 60,000 आवेदनों की स्क्रूटनी कर ली गई है। हालांकि एक बार और स्क्रूटनी की औपचारिकताएं पूरी कर जानी है, जिसके बाद लॉकडाउन खत्म होने पर आयोग के उच्चाधिकारियों की बैठक के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी कर दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इंटरव्यू की प्रक्रिया 2-3 साल तक चलेगी। इसके लिए भी शेड्यूल तय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट आदि भी तय किए जा रहे हैं। भोजपुर जिले में फर्जी किसानों से वसूले जाएंगे किसान सम्मान निधि के रुपए। बिहार के भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके तहत जिले के 3,000 ऐसे फर्जी किसानों को चिन्हित किया गया है, जो पात्र नहीं होने के बाद भी योजना के तहत पैसे ले रहे थे। बताया जा रहा है कि भोजपुर जिले में लाखों रुपए का इनकम टैक्स देने वाले व्यापारी और अन्य रोजगार से जुड़े व्यक्ति भी किसान बनकर इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिसके बाद ऐसे लोगों की लिस्ट को तैयार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि इन फर्जी किसानों के इनकम टैक्स रिटर्न की जांच पड़ताल के बाद भारत सरकार के कृषि विभाग ने सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। इसके तहत भोजपुर के ऐसे 3,000 किसानों से राशि वसूली करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं सूचना के बाद भी राशि नहीं लौटाने वालों के खिलाफ कृषि विभाग FIR दर्ज करने की कार्रवाई भी कर सकता है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर पशुपालन विभाग ने जारी किया नया आदेश। राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, जो कि अब 25 मई तक रहने वाली है। वहीं इस दौरान कुछ छूट देने को लेकर बिहार सरकार के पशुपालन विभाग ने अलग से एक आदेश को जारी किया है। इसके तहत पशु चिकित्सालय और पशु के लिए उपयोग की जाने वाली दवा और टीके के दुकान लॉकडाउन में भी खुले रहेंगे। वहीं विभाग के प्रधान सचिव ने एक पत्र जारी कर कहा है कि मीट, मछली, चिकन और अंडा के दुकान सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं विभाग के प्रधान सचिव ने एक पत्र जारी कर कहा है कि मीट, मछली, चिकन और अंडा की दुकान सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे, लेकिन उसकी ढुलाई किसी भी समय होती रहेगी और ढोने वाले वाहन का परिचालन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही पशु स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सेवा बाधित नहीं हो, इसको लेकर भी गाइडलाइन को जारी किया गया है। इसके लिए पशु को चिकित्सालय ले जाने में कोई भी रोक नहीं होगी। सूबे में बेवजह सड़कों पर गाड़ियां घुमाने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा। सूबे की नीतीश सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि को 10 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में सख्ती भी कड़ाई से लागू है। वहीं परिवहन विभाग ने लॉकडाउन में बिना अनुमति वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। अब नियमों का उल्लंघन कर बिना परमिट सड़क पर पकड़े गए वाहनों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की कानूनी धारा के तहत सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर 2,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। नए निर्देश के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों और
और जिला स्तर पर MBBS डिग्रीधारी डॉक्टरों के नियोजन के लिए इंटरव्यू में आने जाने की अनुमति दी गई है। वहीं मछली व पशु चारा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले परिवहनों पर भी रोक नहीं लगेगी। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के आधा ही उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा रेल व फ्लाइट से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा करने वालों व मान्य सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा वैसे निजी वाहन जिसे जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए ई पास निर्गत किया गया है उन्हें भी चलने की अनुमति रहेगी। डिप्टी सीएम ने कोरोना काल में बिहार के व्यवसायियों की भूमिका को बताया खास। बीते दिन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तत्वाधान में एक वर्चुअल बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री ने राज्य के व्यवसायियों की भूमिका को इस दौर के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार ट्रेडिंग आधारित राज्य है और कोरोना संक्रमण काल में व्यवसायियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं उन्होंने भरोसा देते हुए कहा कि उनके हित की रक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। वहीं इस बैठक के दौरान व्यवसायी प्रतिनिधियों ने भी कोरोना संक्रमण के इस चुनौतीपूर्ण दौर में व्यवसायियों की सुविधा के लिए कई मांगे रखी। इसके तहत व्यवसायियों को कोरोना योद्धा के रूप में चिन्हित करने, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जिला में नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने, 45 वर्ष के ऊपर आयु के व्यापारियों के सुविधाजनक टीकाकरण हेतु वैक्सीन की उपलब्धता, GST निबंधित व्यापारियों को पेशा कर तथा शहरी निकाय के अंतर्गत ट्रेड टैक्स से विमुक्त करने सहित कई मांगे डिप्टी सीएम से की गई। भागलपुर सांसद की कोरोना से मौत को लेकर उड़ाई गई अफवाह। सोशल मीडिया पर शरारती तत्वों ने बिहार के भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल की कोरोना से मौत की झूठी अफवाह फैलाई थी, जिसके बाद सांसद ने SSP को आवेदन लिखकर केस दर्ज करवाया है। उन्होंने इस तरह का अफवाह फैलाने वाले एक व्यक्ति सूरज शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद SSP के निर्देश पर IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं उस व्यक्ति का पूरा ब्यौरा जानने के लिए फेसबुक से भी संपर्क किया गया है। इस आवेदन में सांसद अजय मंडल ने फेसबुक पर सूरज शर्मा द्वारा उनके बारे में कोरोना से मौत से संबंधित अफवाह वाली पोस्ट डालने के बाद उनके मानसिक और व्यक्तिगत छवि पर प्रतिकूल असर पड़ने की बात कही है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अपने संसदीय क्षेत्र में बनाई उनकी छवि इससे धूमिल करने की कोशिश की गई है। राज्य के 20 अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद हुई तेज। बिहार में संक्रमितों की बड़ी संख्या और ऑक्सीजन की जरूरतों को देखते हुए 20 अनुमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना होने जा रही है। इसके लिए केंद्र ने मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद संबंधित जिलों में नोडल अफसर नियुक्त कर स्वास्थ्य विभाग ने उनका ब्यौरा मांगा है। इसके तहत राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार की ओर से चयनित जिलों के सिविल सर्जनों को पत्र भी भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पूर्व में 15 अनुमंडल अस्पतालों में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की अनुमति दी थी। वहीं अब 200 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले 5 अन्य प्लांट की भी अनुमति दे दी गई है। इसके तहत फारबिसगंज, बलिया, कहलगांव, जगदीशपुर, डुमराव, जयनगर, रजौली, मसौरी, बनमखी, डेहरी ऑनसोन, सिमरी बख्तियारपुर, पटोरी, महाराजगंज, महुआ और नरकटियागंज के अनुमंडल अस्पतालों में 500 LPM के प्लांट लगेंगे, जबकि टेकारी, पूसा, मनिहारी, धमदाहा और पकड़ी दयाल के अस्पतालों में 200 LPM के प्लांट लगाए जाएंगे। बिहार में ब्लैक फंगस के 9 नए मामले आए सामने। देश भर में कोरोना को मात दे चुके मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बिहार में भी कई नए मामले सामने आए हैं, जिससे पोस्ट कोविड मरीजों के बीच भय का माहौल है। बीते दिन शुक्रवार को पटना में 8 मामले समेत राज्यभर में 9 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें पटना एम्स में 3, पारस अस्पताल में 2, बोरिंग रोड स्थित वेल्लोर ENT सेंटर में 3 तथा रोहतास के एक मरीज का कैमूर जिले के कुदरा स्थित रेना देवी मेमोरियल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस बार बिहार में ब्लैक के अब तक 19 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं पटना एम्स के कोविड नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि ब्लैक फंगस एक तरह का फंगल संक्रमण है। यह तभी लगता है जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो या कोई लंबे समय से बीमार हो। अगर शरीर काफी कमजोर होगा तो यह फंगस नाक, चेहरा, गला, आंख और ब्रेन को पकड़ लेता है। ऐसे में जो पहले से कैंसर, शुगर, किडनी या फिर लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है, वैसे मरीजों को बेहद सावधानी की जरूरत है। बिहार में बैंकों पर पड़ा है कोरोना का कहर। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के कहर से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, दूसरी तरफ इसका असर कई वित्तीय संस्थाओं पर भी पड़ रहा है। इसके तहत बैंकिंग अर्थव्यवस्था भी डबाडोल हो चुकी है। लोग के पास पैसे की कमी के कारण रुपये निकासी के साथ ही FD को तोड़ रहे हैं। इस दौरान बैंकों में जमा राशि में कमी आई है। इसके तहत बिहार में भी मार्च तक बैंकों में जमा राशि में तकरीबन 16% की कमी आई है। बैंकों में जमा धनराशि के आंकड़ों को बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 31 दिसंबर 2020 तक बिहार के तमाम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल जमा राशि 3,02,498 करोड़ थी। वहीं मार्च 2021 तक बैंकों में जमा राशि में तकरीबन 16% की कमी आई है। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े सूत्रों की माने तो पैसा निकालने की प्रवृत्ति में अप्रैल माह में और भी तेजी आई है, क्योंकि इस महीने कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है। जहां प्रमुख पप्पू यादव का DMCH में ही होगा इलाज। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही वे बीमार चल रहे थे, जहां उन्हें DMCH में भर्ती कराया गया था। वहीं बीते दिन डॉक्टरों ने सरकारी खर्च पर ही शहर के एक निजी अस्पताल में उनकी कई जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट में स्थिति को बेहतर नहीं पाते हुए DMCH के अधीक्षक के नेतृत्व
नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड ने उनकी आगे के इलाज के लिए पटना रेफर करने का फैसला किया था, मगर पप्पू यादव ने अपना इलाज पटना में नहीं बल्कि दरभंगा डीएमसीएच में ही कराने की मांग की है। पप्पू यादव ने डीएमसीएच अधीक्षक को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह यात्रा कर सके। इन परिस्थितियों में अगर उन्हें पटना भेजा जाता है और कुछ बुरा होता है तो इसके जिम्मेदार डीएमसीएच अधीक्षक होंगे। वहीं इस लेटर के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप समझ गया और आनन फानन में पटना रेफर करने का फैसला वापस ले लिया गया। तेजस्वी यादव के लापता होने के लगे पोस्टर। बिहार में जहां चारों तरफ लोग कोरोना के कहर से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव और हाजीपुर सांसद पशुपति पारस को अब जनता ढूंढने लगी है। इतना ही नहीं, उन्हें ढूंढने पर इनाम की राशि भी रखी गई है। इसके लिए राघोपुर विधानसभा के अलग अलग पंचायतों में लापता वाले पोस्टर लगे हुए हैं। इन पोस्टर उनकी तस्वीर के साथ में लिखा हुआ है कि राघोपुर के विधायक माननीय तेजस्वी यादव और हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस लापता है। वहीं नीचे एक मैसेज भी लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि चुनाव जीतने के बाद ये दोनों अपने अपने क्षेत्र से गायब है। इस कोरोना महामारी में भी लोगों को क्षेत्र की जनता का हालचाल पूछने की चिंता नहीं है और क्षेत्र की जनता इन लोगों को खोज रही है। इन्हें ढूंढ कर लाने वाले को 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, ऐसे में ये अपने जनप्रतिनिधियों से मदद के लिए आशा भरी निगाहें टिकाए हुए हैं। पृथ्वी शॉ को दोस्तों के साथ गोवा जाने में पुलिस ने लगाई रोक। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड दौरे के लिए भी भारतीय टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्लान बनाया, जिसके बाद वो गोवा के लिए वाया कोल्हापुर रोड से निकल पड़े। लेकिन पुलिस ने उनके पास यात्रा के लिए जरूरी ई पास नहीं होने के कारण उन्हें और उनके दोस्तों को अम्बोली में रोक दिया। दरअसल इन दिनों कोविड-19 की वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन है और यात्रा करने के लिए ई पास को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा मना किए जाने के बाद पृथ्वी शॉ ने ई पास के लिए अपने मोबाइल के माध्यम से आवेदन किया और 1 घंटे के बाद उन्हें इसके लिए क्लियरेंस मिलने के बाद ही पुलिस ने उन्हें जाने की इजाजत दी। देश भर में 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। देश भर में औसतन रोज 3.5 लाख कोरोना केस दर्ज किए जा रहे हैं। वही गुड न्यूज यह है कि इतने औसत में ही लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,26,098 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 3,890 मरीजों की जान भी चली गई है। वहीं 3,53,299 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 36,73,802 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में कुल 7,494 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान कुल 14,131 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 89,563 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामलों में कमी आ रही है और रिकवरी रेट भी बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़कर 85.38% हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।